नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समाजशास्त्र का भाग तीसरा दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा विश्वसनीय अध्ययन होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्वसनीय अध्ययन होता है? ऑप्शन ए अनुसूची, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी व्यक्तिगत अध्ययन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुसूची द्वारा विश्वसनीय अध्ययन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसूची किसमें प्रयोग होती है? निम्नलिखित में से अनुसूची किसमें प्रयोग होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि है प्राथमिक अध्ययन में प्रयोग होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुसूची कैसी पद्धति है? अनुसूची कैसी पद्धति है? ऑप्शन ए सस्ती, ऑप्शन बी महंगी, ऑप्शन सी सामान्य, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जो पद्धति होती है महंगी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों यह गॉड फ्राइड एकेनवाल द्वारा प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति मापक पैमाने कितने प्रकार के होते हैं? मनोवृत्ति मापक पैमाने कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए दो, ऑप्शन बी तीन, चार, या फिर पांच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, थर्टसन ने मनोवृत्तियों एवं राय को ज्ञात करने के लिए किस पैमाने का निर्माण किया है? तो ऑप्शन इसका है दोस्तों, यह थर्टन पैमाने का निर्माण किया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक दूरी मापक पैमाना निम्न का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सामाजिक दूरी मापक पैमाना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बोगार्डस द्वारा यह पैमाना निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, वितरित अर्थ में तथ्यों को स्तंभों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने का सरणियन कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों यह परिभाषा दी गई थी डॉक्टर एल हेंस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक सांख्यिकी सारणी संबंधित तथ्यों का उद्गम खानों तथा समतल पंक्तियों में किया गया वर्गीकरण होता है, यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों यह परिभाषा है स्पर्श की। ठीक है, स्पर्श की यह परिभाषा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरणियन गणनात्मक तथ्यों के प्रदर्श की एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कॉलमों एवं कतारों में तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, यह किसकी परिभाषा है? दोस्तों यह जो परिभाषा है यह किसकी परिभाषा है? दोस्तों इसका आंसर है यह घोष की एक चौधरी की। ठीक है, घोष एवं चौधरी की यह परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि किसी भी स्थिति में एक सारणी में बहुत अधिक विवरण नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए डॉक्टर बॉडिगन, ऑप्शन बी मार्टन, ऑप्शन सी मैकाइबर्स, या ऑप्शन डी एस पर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर बॉडिगन ने यह कहा था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, प्रतिवेदन तैयार करना अनुसंधान का कौन सा चरण है?
प्रतिवेदन तैयार करना अनुसंधान का कौन सा चरण है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी है अंतिम, ऑप्शन सी मध्य, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतिम। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक दूरी का पैमाना किसने बनाया है? सामाजिक दूरी का पैमाना किसने बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों यह बनाया गया है बोगार्ट डस द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सन 1938 में अंतर्राष्ट्रीयवाद अनुपम का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ए बोगार्डस, ऑप्शन बी कामटो, ऑप्शन डी लिकर्ट्स, ऑप्शन डी है थॉर्स्टन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिकर्ट ने किया था इसका निर्माण। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गिरजाघर का अध्ययन अपने पैमाने के द्वारा किया था? किसने गिरजाघर का अध्ययन अपने पैमाने के द्वारा किया था? इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, यानी कि थॉर्स्टन ने किने द्वारा पैमाना जो है थॉर्सन द्वारा गिरजाघर का अध्ययन किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रमापन की प्रमुख विशेषता है, प्रमापन की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी जटिलता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह विश्वसनीयता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में कितने प्रकार के पैमाने प्रयुक्त होते हैं? समाजशास्त्रीय अनुसंधान में कितने प्रकार के पैमाने प्रयुक्त होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए दो तीन या फिर चार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, पैमाने प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामाजिक अभिव्यक्ति को मापने के लिए किसने गणितीय विधि का प्रयोग किया था? किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुटे एंड हार्ट ने प्रयोग किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तिपरक परीक्षण किस प्रविधि में किया जाता है? व्यक्तिपरक परीक्षण किस प्रविधि में किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रक्षेपीय प्रविधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रक्षेपी प्रविधि के सात प्रकार निम्न में से किसने बताए हैं? तो दोस्तों किसने बताया है, यह बताया है लुई फिशर फिशर द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रक्षेपी प्रविधि के सात प्रकार हैं जो लुई फिशर द्वारा बताए गए हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।